हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आया हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास स्थल जीरादई में। ये इनका आवास है, तो ये देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादई। यह स्मारक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास है। और ये दिखा रहे हैं मैं उनका गार्डन वगैरह। ये गार्डन है और ये उनका निवास स्थल है। तो ये रहा आपको उनका कुआं जिसमें वो नहा स्नान किया करते थे, वो दिख रहा है। और आइए हम आपको दिखाते हैं आगे इनका। ये रहा उनका गार्डन है, ये इनका गार्डन वगैरह सब है। ये इनका गार्डन है, ये इनका निवास स्थल है और ये इनका स्मारक है। तो आइए हम स्मारक दिखाते हैं आपको। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्मारक है जो इनके आंगन के बीचों बीच बनाया गया है। और ये इनका निवास स्थल है। तो हम आपको ले चलते हैं इनके घर में, जो जिस बेड पे वो रहते थे, जो किताब वगैरह वो पढ़ते थे और जिस वो नेता से साथ में रहे हुए हैं उनके साथ मैं आपको दिखाता हूँ। आइए अब हम चलते हैं इनके निवास स्थल जहाँ ये सोते थे। ये इनका बेड हुआ जिस पे ये सोया करते थे। ये इनका बेड है, अभी से एक शीशे के कांच में बंद कर दिया गया। यह गांधी जी द्वारा उपयोग किए जाने वाला तख्त है। और ये बैठने का स्थान है। ये इनका बड़ा सा मूर्ति, इनका कमरा है, ये इनका रूम है जिसमें ये रहा करते थे। ये लगा हुआ अब इसमें ताला लगा हुआ है। ये कमरा है महेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई का है। ये रूम उनके बड़े भाई का है, महेंद्र। और आइए हम इनको इनके कक्ष में ले चलते हैं। तो ये रहा इनका कक्ष जिनमें इनकी शिक्षा दीक्षा सारी प्राप्त हुई थी बचपन की। ये इनका है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ में इनका कुछ यादगार पल। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कैसा लिखा हुआ है कि किसी की गलत मनसाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती। और ये रहा No one can push me to do what I do not wish to do। ये हो गया चंपारण सत्याग्रह के बाद का सामाजिक कार्य भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये गांधी जी का प्रभाव इन पर रहा। ये गांधी जी के साथ की तस्वीरें। और ये गांधी जी की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये राजनीतिक की राह है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यहीं से वो राजनीतिक में अपना कदम रखे हैं। 1906 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्यरत में भागीदारी ली थी। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी जी की तस्वीर है। और ये उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें जो सजा के रखी हुई है अच्छी तरह से, ये आप देख सकते हैं। ये इनकी शिक्षा
ये उनकी शिक्षा के बारे में दिया हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद अपने 5 वर्ष की उम्र में जीरादेई में अपने घर में फारसी, हिंदी और गणित की शिक्षा प्रारंभ की थी। यह इसके बाद वे छपरा के जिला स्कूल में पढ़ने चले गए थे। तो ये इनका घर का तस्वीर, और ये देख सकते हैं आप इनका जीवनी, इनकी जीवनी परिचय, जीवन का परिचय दिया हुआ है इन्हें, उनकी ये उनका परिवार, पूरी फैमिली, ये उनकी पूरी फैमिली है। और ये खूबसूरत सा तस्वीर उनकी, और ये कमरा हो गया एक जिसमें अभी ताला लगा हुआ है, और ये वो, और इनके भतीजे के साथ जा रहे हैं। ये भारत के जब प्रथम राष्ट्रपति बने थे तो शपथ ग्रहण करते हुए ये इनकी तस्वीर है, और ये एक नीति का उद्देश्य, ये आप देख सकते हैं इनका भी फोटो है इसमें इनको। और ये समाज सेवा का कुछ कार्य है, और ये उनकी लिखी हुई किताब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जिसमें ये बुक वगैरह रखा है, आत्मकथा लिखी हुई है 19 जनवरी 1933 में, और अगस्त 1942 के से है ये आत्मकथा, 1942 से लेकर 1945 तक लिखा हुआ है इसमें। ये पढ़ा हुआ है ये शासकीय कार्यभार है उनका, और ये भारत रत्न से सम्मानित सन 1962 में 13 मई को, और ये इनका महात्मा गांधी जी के साथ ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इधर एक कमरा है जो बंद है, और ये है इनकी तस्वीर कि ये बाहर का नज़ारा हो गया, और ये रक्षाबंधन में राखी बंधवाते हैं वे, और इनकी कही हुई कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं करता हूँ मैं उसे भूमिकाओं को बारे में सावधान रहता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं उसकी भूमिकाओं के बारे में सावधान रहता हूँ। ये हो गया जो बात सिद्धांत में गलत है वह बात व्यवहार में भी गलत होता है, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कही हुई बातें हैं। और ये एक कमरा इस साइड है जो बंद पड़ी हुई है, और मैं आपको ले चलता हूँ उनके ये फर्स्ट रूम, लिखा हुआ रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह कमरा है। तो ये आप कमरा देख सकते हैं, ये उनका कमरा है, और ये इनका मूल्य तौर पे बेड रहा जिसमें ये रहा करते थे, अभी तो ये लॉक है रूम, अभी बंद किया हुआ है ये रूम। या फिर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये उनका बेड है जो रूम अंधेरा होने का कारण नहीं दिख पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेड दिख जाए, उनका अलमारी वगैरह सब उसी में है, ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रूम है, और ये इनका रूम है, और ये इनके पुत्री का रूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कनिष्ठ पुत्र का रूम है, जिनका नाम धनंजय प्रसाद था,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुत्र के ये रूम है जिसमें जंजीर से यह लगा हुआ है, इसका लौका लगता है टूट चुका है। तो और ये कुछ लेटर भी लिख कर इसमें रखे हैं, इसमें लेटर लोग रहे हैं सब। हाँ, इसमें कुछ लेटर रखा वगैरह सब रखा हुआ जो अंधेरा होने का कारण नहीं दिखता है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए। इसमें इस रूम में लेटर वगैरह सब लिखा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेटर वगैरह दिख जाए, आप लोग को दिख रहा होगा वाइट वाइट। छोड़ मत दीजिएगा। नहीं क्या बात, नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है। इसमें उनका लेटर्स वगैरह सब लिखा हुआ है कुछ वगैरह सब, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है। इसलिए इसमें इनका लिखा हुआ लेटर वगैरह सब है। और ये इनका सर ये रूम वगैरह सब हो गया, ये इनका ये कमरा वगैरह सब हो गया जिसमें इनका बैठक चलता था, मीटिंग वगैरह सब चलता था। ये सब वगैरह रूम हो गया, ये पूरा गार्डन हो गया, ये हो गया, ये रूम हो गया।